अगला क्वेश्चन देखें। देखो उसमें पूछा गया है द गैप बिटवीन द वेव नंबर्स एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओके, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर्स में जो रिलेशन होता है, पहले ये देखो आपको जो वेव नंबर्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, अपॉन वन बाई वेव लेंथ लेमडा के डायरेक्टली, और अपने पास पता है एन वाई वी, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन टू पाई वी, लिख सकता हूँ। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई फी इंटू न्यू नॉट। ओके, अभी ध्यान से देखें, यहाँ पे टू पाई वी न्यू नॉट, इसका मतलब जो होगा अपने को ग्राफ जो चाहिए न्यू नॉट और वी का, तो ये देखें ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के। ओके, अगर ओमेगा न्यू का डायरेक्टली है, इसका मतलब क्या ओमेगा बढ़ेगा, तो और क्या स्ट्रेट लाइन का है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कर्व तो इस टाइप का मिलेगा नहीं, तो आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और एक ही है जो उसके साथ बढ़ रहा है, बाकी ये नहीं, ये नहीं बढ़ रहा है, ये कर्व तो होगा नहीं, और ये दोनों वैसे कैंसिल आउट, तो आपका एक ही ऑप्शन ट्रू है जो है फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ट्रू है, बाकी सारे गलत हैं।